24 न्यूज़ इन इंडिया वेब चैनल के लिए सोहरा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। ईओ व चेयरमैन ने समस्त स्टाफ को वितरित की पीपीई किट। सोहरा क्षेत्र में मिले कोरोना पॉजिटिव के बाद जहां उसके सभी परिजनों को सोहरा नगर पालिका की देखरेख में एमक्यू इंटर कॉलेज में क्वारंटाइन किया गया है, तो वहीं आज इस लड़ाई में नगर पालिका कर्मचारियों की भूमिका को अहमियत देते हुए चेयरमैन हाजी अख्तर जलील व ईओ एपी पांडे द्वारा सभी पालिका स्टाफ को पीपीई किट वितरित की गई। इस मौके पर ईओ व चेयरमैन ने संयुक्त रूप से कहा कि कोरोना की लड़ाई में सबसे अहम भूमिका पालिका स्टाफ ही निभा रहा है, जिनकी सुरक्षा को देखते हुए आज सभी स्टाफ को पीपीई किट दी गई हैं। इस मौके पर प्रधान लिपिक देवेंद्र सिंह, जही सागर, ओम प्रकाश सिंह, पंकज सिंह आदि भी मौजूद रहे। जी वैसा भी जो आपने अपने स्टाफ को जो ये किट जो है सेफ्टी किट जो की है इसके बारे में जानकारी। ये चूंकि कल सोहरा थाना क्षेत्र के में गांव ग्राम विम्यावा नवादा में एक पॉजिटिव केस आया है, जिसके 15 लोग क्वारंटीन किए गए हैं आपके एमक्यू इंटर कॉलेज सोहरा में। इसको ध्यान में रखते हुए और आगे हो सकता है कि इस तरह की कुछ और समस्याएं बढ़ जाएं, जिसके एहतियात के लिए समस्त जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं या हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, क्योंकि ये वहाँ आते जाते भी रहेंगे समय पे, उनकी सुरक्षा के लिए ये सारी व्यवस्था की गई है। अभी अपने स्टाफ को जो है ये किट सेफ्टी किट सबको दे दिए। हाँ, और भी जो कुछ सैनिटाइजर की कमी है वो सैनिटाइजर मंगवा रहे हैं, सैनिटाइजर वो आ रहे हैं, आज शाम तक आ जाएंगे सारे। हर कर्मचारी को एक एक सैनिटाइजर और उसके ख़त्म होने के बाद जो है नया सैनिटाइजर उनको दिया जाएगा, और उनको विशेष निर्देश भी दे दिए गए हैं कि वो दूरी बनाए रखें और सारी व्यवस्था अपनी बनाए, ताकि जो क्वारंटीन क्षेत्र है उसको उसमें आने जाने की किसी की मनाही है, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं जाएगा, जो जाएगा वो शिक्षा उपकरण के साथ।